हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैलकुलेटर का यूआई है। ये यूआई मैंने सिंपल सीएसएस से क्रिएट किया है और इसका जो मेन लॉजिक है मैंने रिएक्ट के यूज स्टेट से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडुलस है, डिवाइड है, एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई, माइनस प्लस। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। 12 मॉडुलस 2 आंसर 0। ठीक है, इसी से क्लियर हो जाएगा। 12 डिवाइड बाई 2 आंसर 6, क्लियर। 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125, और 45 माइनस 5 40, और प्लस करके देख लेते हैं 51। ओके, तो आप देख सकते हैं सारे बटन्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो डी बटन है इसे हम एक एक करके डिलीट कर सकते हैं, यानी कोई गलती से हमने कोई टाइप कर दिया तो इसे ऐसे करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने पूरा स्क्रैच से क्रिएट किया है, तो इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती तो कमेंट करें, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एसआरसी के अंदर ऐप है, ऐप कंपोनेंट के अंदर टेक्स्ट ऐप है, और इंडेक्स सीएसएस एमडी है, और इंडेक्स सीएसएस के अंदर ऐप कंपोनेंट को कॉल किए हैं और इंडेक्स सीएसएस को यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ ऐप कंपोनेंट है और सर्वर स्टार्ट है, तो ये ऐप टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर का यूआई क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद हम कैलकुलेटर का लॉजिक लिखेंगे। तो फटाफट से कैलकुलेटर का यूआई क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप को एक क्लास दे दूंगा, मेन कंटेनर करके। इस मेन कंटेनर में हमारा यूआई रहेगा, इस मेन कंटेनर में हमारा इनपुट का यूआई रहेगा। तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। ओके, और इसके बाद हमारे सारे बटन्स होंगे, तो इसे मैं एक टिप में रख लूँगा। ठीक है, इसको एक क्लास दे देते हैं, बटन आइटम्स करके। सही रहेगा ये, बटन आइटम्स। तो हमारे पास टोटल 19 बटन्स होंगे, 1 से लेकर 9 तक, और 0 भी रहेगा, डॉट रहेगा, इक्वल रहेगा, सी रहेगा यानी क्लियर के लिए, डिलीट के लिए, मॉडुलस, डिवाइड और प्लस माइनस, 4 का कॉलम होगा, और उसके बाद देखते हैं रो कितना बनता है। ठीक है, तो चलिए बटन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बटन जो रहेगा क्लियर यानी सी का रहेगा, देन उसके बाद डिलीट का रहेगा, देन उसके बाद मॉडुलस, डिवाइड। ओके, देन इसके बाद जो न्यूमेरिक नंबर वाले होंगे वो रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ, इसके बाद 1 2 3, 2 3, और सबसे पहले रख लेते हैं यहाँ पे एस्ट्रिक। ओके, देन इसके बाद और 4 रहेंगे यहाँ से, एक्चुअली इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, 4 और रहेंगे। 3 हुआ, 3 के बाद 4, ये 5 और ये 6। अरे यार, 6, 6 के बाद हमारा एस्ट्रिक हो गया, ये हो जाएगा हमारा माइनस। ओके, इसके बाद 4 और बटन होंगे, 6 तक हो गया, 7, ये 8, ये 9, देन उसके बाद हमारा आ जाएगा प्लस। ओके, प्लस हो गया, उसके बाद 0 डॉट और इक्वल वाला 0 रहेगा, उसके बाद डॉट रहेगा, ये हमारा इक्वल रहेगा। ठीक है, इसको लास्ट का हटा देते हैं, यानी कि 4 4 8 4 12 4 16 16 3 19, 19 बटन्स हो गए। ओके, तो यूआई में देखते हैं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हम इसको स्टाइल करते हैं। अब चलते हैं, और इसको भी एक, मैं इनपुट को भी क्लास दे देता हूँ, इनपुट बॉक्स करके, इनपुट बॉक्स। सही है, चलते हैं सीएसएस फाइल में। सीएसएस फाइल इसमें इंपोर्ट है, तो हम डायरेक्ट सीएसएस फाइल में क्लासेस लिख सकते हैं। तो पहले मैं मार्जिन पैडिंग को 0 कर दूंगा, मार्जिन पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो गया। अब जो हमारा मेन कंटेनर है उसको एक मैक्स वेथ दे देते हैं, 350 पिक्सल्स का। ठीक है, अभी कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 100% में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर होगा HSL वाला दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमारा होगा कुछ डार्क सा। फिफ्टी परसेंट ब्राइट रहेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मेन कंटेनर हो गया। अब इस बटन आइटम्स को नहीं काम करते हैं, डायरेक्ट बटन को स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो बटन में क्लास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हम डायरेक्ट बटन को ही स्टाइल कर सकते हैं। तो बटन को विड्थ दे देते हैं 70 पिक्सल्स, इसमें हाइट होगी 70 पिक्सल्स का।
तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके अभी मैं इसको 100% करूँगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है तो एक्चुअली अब एक काम करते हैं, बॉडी से इसको सेंटर कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है अभी ये टॉप से टॉप में है, सेंटर में लाने के लिए इसको हमें हाइट देना पड़ेगा। तो हाइट जो है 100 पीएच कर देंगे, मतलब जितनी भी हाइट रहेगा उसके सेंटर में जाएगा। यानी कि अगर ये 50 भी होगा 50 पीएच तो 50% के वो सेंटर में आएगा। अभी देखोगे तो 50% के सेंटर में होगा। इसको 100% कर देंगे तो 100% के वो सेंटर में आएगा। ठीक है चलो ठीक है। तो अभी हमारा बटन कुछ ऐसा दिख रहा है, तो बटन्स में विथ हाइट हो गया। अब इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल्स कैसा रहेगा, 15 पिक्सल्स कुछ ऐसा है। ठीक है इसमें अब आउटर आउटलाइन दिख रहा है यानी बॉर्डर दिख रहा है, तो बॉर्डर नन कर देते हैं। एक्चुअली इसको थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको क्लोज कर देते हैं अब। ठीक है अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है तो हमने इसको बॉर्डर ऑर्डर तो दे दिया है। इसमें अगर बैकग्राउंड कलर चाहे तो बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ से कॉपी करके। बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा। ठीक है कुछ थोड़ा और लाइट कर दिया जाए। और इसका जो टेक्स्ट है उसको दे देते हैं वाइट, वाइट है। फ़ॉन्ट साइज़ 2.3 रैम, यानी 1 रैम इक्वल्स टू 16 पिक्सल्स होता है, तो 2.3 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इतना कुछ दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है। एक रो में 4 कॉलम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 अभी है ना, तो हमें 4 कॉलम क्रिएट करना है। तो अब चलेंगे इस बटन आइटम्स को उठा के ग्रिड की हेल्प से इसे क्रिएट करते हैं। ठीक है डॉट लगा के डिस्प्ले कर देंगे ग्रिड। ठीक है ग्रिड तो ये वर्टिकली अलाइन दिख रहा है अभी। अब इसमें हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की हेल्प से रिपीट, 4 कॉलम चाहिए हमें, यानी कि 4 कॉलम 1 FR, यानी 4 कॉलम इक्वल साइज के। मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना। थोड़ा सा इसको मैं परसेंटेज बढ़ा देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसमें हम ग्रिड गैप भी लगा सकते हैं, गैप चारों तरफ से 10 पिक्सल्स का कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिवाइड हो गया, सही है। और हम लास्ट वाले को ये पूरा ये यहाँ तक इक्वल कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले बटन्स लास्ट वाले इक्वल को मैं एक क्लास दूँगा, क्लास नेम इक्वल। ठीक है और यहाँ पे देखना मैं क्या करता हूँ, डॉट लगा के जो हमारा ग्रिड कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो लिखेंगे। यानी मुझे इस वाले से स्टार्ट करके यहाँ तक करना है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट मुझे 3 से करना है और ग्रिड कॉलम एंड मुझे 5th पे करना है। यानी कि कॉलम 4 है और रो 5th है, यानी कि ये 5th नंबर पे एंड करना है। ठीक है 5th पे एंड होगा तो इसको मैं विथ अगर 100% दे देता हूँ। ठीक है तो ये पूरा यहाँ तक आ गया, सही है। अब मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन सा, ज़्यादा लाइट हो गया अभी, सही है। अब इसको ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। ठीक है अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब चलते हैं इसके इनपुट को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो इनपुट में हमने क्लास दिया था इनपुट बॉक्स करके, डॉट लगा के इनपुट, इसको विथ 100% दे देते हैं। ठीक है ये 100% हो गया। और इसमें जो इसका आउटलाइन है उसको नन कर देते हैं। ठीक है और इसके अंदर बॉर्डर भी रहता है, इनपुट के अंदर बॉर्डर भी नन। ओके अब इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल्स, अब सही है। अब इसमें एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर यही वाला उठाते हैं। इसमें थोड़ा सा सिक्सटी सही है। फोन साइज दे देते हैं 3 रैम, यानी इसके अंदर जो दिखेगा। हाँ सही है, कुछ कैलकुलेटर पे ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ब्लैक नहीं, हमें इसका जो कलर है वाइट चाहिए। ठीक है तो इसके अंदर जो टाइप करेंगे वाइट में दिखना चाहिए। अभी हम इसमें टाइप कर रहे हैं लेकिन बाद में हम इसे रीड ओनली बनाएंगे, तो इसके अंदर सिर्फ रीड वाली, यानी कि हम इसके अंदर टाइप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम जब इनपुट जो करेंगे वही होगा। ठीक है इस बटन के ऊपर थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं तो सही रहेगा, पैडिंग
पैडिंग जो है टॉप बॉटम से 5 पिक्सल राइट 0 कर देते हैं, तो थोड़ा गैप मिल जाएगा इसमें। और इसके इनपुट को थोड़ा सा हम बॉर्डर रेडियस दे दें तो कैसा रहेगा, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का अभी सही लग रहा है, ठीक है। और इस सी को क्लियर को इसको रेड करते हैं, ठीक है। और इसको डिलीट को येलो कर दें, इस क्लियर सी को रेड करते हैं और डिलीट को येलो कर देंगे। तो मैं सी को एक क्लास दे देता हूँ क्लियर करके, इसको बैकग्राउंड कर देंगे। सही है, 60% कर देते हैं या फिर 40% कर देते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो डी है इसको अभी डी को कर देते हैं ऑरेंज, क्लास नेम डिलीट, सिक्सटी परसेंट सही रहेगा, वही सही लग रहा है। तो हमारा यूआई ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। अब अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें थोड़ा सा फ्लैश चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, जो बटन है बटन में एक एक्टिव क्लास होती है, एक्टिव बैकग्राउंड थोड़ा सा इससे लाइट कर देंगे, यानी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लैश होने लगा, यानी इस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इस पर क्लिक कर रहे हैं। बटन हमारे सही है ना, यही होने चाहिए, सी डी मॉडुलस डिवाइड एस्ट्रिक माइनस प्लस इक्वल, ठीक है। तो हमने यूआई क्रिएट कर लिया है, तो चलते हैं अभी इसमें हम जहाँ डालते हैं इसमें चलेंगे। ये जो जितने बटन्स हैं ये जिनके इनपुट चाहिए हमें, और पहले तो मैं इसे रीड ऑनली कर देता हूँ जिससे इसमें हम टाइप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो हम इस पर टाइप नहीं कर पाएंगे इनपुट में, ठीक है, रीड ऑनली हो गया। तो मैं एक स्टेट बनाता हूँ जिसमें हम वैल्यू को ऐड करेंगे, कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू, ये स्टेट इनिशियली एम्प्टी रहेगा, ठीक है। और ये जो हमारा वैल्यू है इसके अंदर जाएगा, तो जब भी इस स्टेट के अंदर कुछ होगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो जब हम इसमें टाइप करेंगे तब तो हम इसे सेट करेंगे, तो इनिशियली एम्प्टी रहेगा। तो अब फटाक से मैं सभी में, यानी कि तो सी डी और इक्वल को छोड़ के हमें सभी के इनपुट चाहिए, तो हमें इन सभी बटन्स में एक हैंडल लगाना पड़ेगा, हैंडलर। तो मैं एक हैंडलर क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट हैंडलर, हैंडलर यहाँ पे होगा वैल्यू, ओके। और तो अब ये हैंडलर को सारे ऑन क्लिक्स में ऐड कर देंगे, यानी बटन पे ऑन क्लिक पे ऐसे रहेगा, ठीक है। इसके अंदर जाएगा हमारा मॉड्यूलस, और यही मैं कॉपी करता हूँ और इन सभी इनपुट्स के अंदर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 1, तो हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि 2 फटाक से मैं कर लेता हूँ ये सारे चेंज, 3। फिर इसके बाद ये है हमारा एस्ट्रिक, एस्ट्रिक स्ट्रिंग में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें 4 चाहिए, 5। टाइम कंज्यूमिंग है, आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये सारे हमारे बटन्स बन गए। तो अब चेक कर लेते हैं कि इस वैल्यू के अंदर डायरेक्ट स्टेट को सेट कर देते हैं, और क्या वैल्यू, ठीक है। देखें ये सारे आने लगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब जिस भी बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं वो लेवल को रिप्लेस कर दिया, 6 पे करें तो 5 को रिप्लेस कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, यानी हमें 1 2 3 जितने भी नंबर को टाइप करो सभी यहाँ पे एक साथ दिखे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो इनिशियल वैल्यू है उसको इस वाले से ऐड करना पड़ेगा, यानी जो हमारा इनिशियल वैल्यू है जो आ रहा है उसमें इसको ऐड करते जाएंगे। तो अब देखेंगे 1 2 3, ठीक है, ये सभी आ रहे हैं। और हमें इस क्लियर बटन पर क्लिक करने पर सारे इनपुट्स को क्लियर करना है, तो एक और हैंडलर क्रिएट करते हैं,
और सी में इसको ऑन क्लिक पे क्लियर करना है। ठीक है, इसे मैं डायरेक्ट ऐसे पास कर सकता हूँ, क्लियर। जब ये क्लिक हो तो ये इनिशियल स्टेट पे चला जाए। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इसे करके देखते हैं, काम कर रहा है, बढ़िया, सेव भी हो गया, क्लियर भी हो गया। तो अब हमारा सिंपल सा लॉजिक बचा कि जब भी हम तो अब हमारा मेन लॉजिक बचा कि जब हम तो अब हमारा मेन लॉजिक बचा प्लस करना, यानी कैलकुलेटर कब काम करेगा। तो अब हमारा मेन लॉजिक बचा है इनके वैल्यूज़ को इवेल्युएट करना। तो लास्ट में इक्वल पे क्लिक करें, यानी कि 1 2 जो भी है प्लस करके इक्वल पे क्लिक करें तो ये टोटल हो जाए, यानी कि जो भी हमारा कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो इक्वल पे क्लिक करने पे। तो इक्वल पे एक ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक कैलकुलेट क्यूलेट, सॉरी यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे इसको, कैलकुलेट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कैलकुलेट। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इनपुट वैल्यू है उसको एक कॉन्स क्रिएट करके रिजल्ट बनाता हूँ। रिजल्ट में जो हमारा वैल्यू आ रहा है उसको हम इवेलुएट करेंगे, इवेलुएट मेथड का यूज़ करके इनपुट वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा हम सेट इनपुट में सेट कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक है। 1 प्लस 2 14, बढ़िया काम कर रहा है। 4 प्लस 2 काम कर रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 डिवाइड बाय 2 6, बढ़िया सारा लॉजिक काम कर रहा है। 12 डिवाइड बाय 2 मॉडुलस 0, ओके बढ़िया सभी काम कर रहे हैं। बटन्स माइनस भी काम कर ही रहा होगा, 6, ओके बढ़िया। तो अब अगर हम इसमें कुछ ऐसा टाइप करें जिससे यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम इसे यहाँ पे हैंडल कर लेंगे ट्राई कैच की हेल्प से, ट्राई कैच। ठीक है, अगर ये सही होता है तो इसके अंदर जाएं, अगर एरर आता है ना, एरर आता है तो यहाँ पे एरर में दिखे। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं ऐसे करके इक्वल करें तो एरर। ठीक है, यानी जो एरर आता है हमने इसे हैंडल कर लिया। अब बचा मेन, अगर देखेंगे तो हमारा ये सिम डी किस काम का है इसे देखते हैं। यानी हम इसके अंदर जो भी टाइप कर रहे हैं इसको वन बाई वन करके डिलीट करना है, यानी हमने कुछ गलती से टाइप कर दी तो उसको डिलीट इसे कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं एक बटन बनाता हूँ यहाँ पे, ऑन क्लिक। तो यहाँ पे मैं हैंडल डिलीट करके बना लेता हूँ मेथड। ठीक है, हैंडल डिलीट का लॉजिक कुछ ऐसा रहेगा कि जो हमारा इनपुट वैल्यू है उसको लेंगे, इनपुट वैल्यू डॉट सब स्ट्रिंग, स्टार्ट कहाँ से करना है 0 से, और कहाँ तक इनपुट वैल्यू जो है, इनपुट वैल्यू डॉट लेंथ -1, यानी कि जो हमारा 2 है तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 से 0 तक। तो इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे लेट वैल करके, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी हम वापस से सेट इनपुट में स्टोर कर देंगे। ओके, तो अब ट्राई करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, बढ़िया काम कर रहा है। तो इसे मैं चेक भी लगा देता हूँ, अगर इसके अंदर वैल्यू हो यानी इसकी लेंथ हो ना तभी ये काम करे। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है। तो हमने तो आपने देखा कि हमने कितना इजीली ये कैलकुलेटर क्रिएट कर लिया रिएक्ट जेएस के अंदर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसका लॉजिक बेहद ही आसान था। मेन हमने एक इनपुट क्रिएट किया, इनपुट को ही हम पूरे यहाँ पे देख रहे होंगे सारे फंक्शंस में यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रिएक्ट जेएस में कैलकुलेटर क्रिएट करना कितना ईजी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करें, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। ये कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप ये कोड वहाँ से कॉपी कर सकते हैं।